23 मई को आए आम चुनाव के नतीजों ने जहां एक तरफ एनडीए में खुशियां बरसा दी हैं, वहीं यूपीए के लिए चुनावी नतीजे मायूसी लेकर आए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी नतीजों ने एक कांग्रेसी नेता की बलि ले ली है। मध्य प्रदेश में सीहोर के कांग्रेस अध्यक्ष रतन सिंह ठाकुर कांग्रेस की हार बर्दाश्त नहीं कर सके, जिसके चलते गुरुवार को उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया गया है कि रतन सिंह ठाकुर भोपाल लोकसभा सीट पर दिग्विजय सिंह की तरफ से मतगणना स्थल पर वोटों की गिनती देख रहे थे, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी को हारता देख रतन सिंह को अचानक हार्ट अटैक आ गया और वह कुर्सी पर ही गिर पड़े। अधिकारियों ने उन्हें शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। रतन सिंह ठाकुर की मौत के बाद कांग्रेसी नेताओं में शोक की लहर दौड़ गई है।